नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे नए प्लेटफॉर्म एल्गो ब्रिज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, एल्गो ब्रिज जो है वो एल्गो ट्रेडिंग करने का सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ कॉपी ट्रेडिंग करने का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई हमने जोड़ी हैं, जिनके बारे में आज ये वीडियो रहेगा। जिन मैं आपको सब पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसमें क्या क्या हमने नया ऐड किया है और किस तरीके से आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा उसमें होगा रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है आपको एल्गो ब्रिज पर आकर, उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, किस तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे एल्गो ब्रिज में, और क्लाइंट अकाउंट और मास्टर अकाउंट के बीच क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कैसे करनी है, रिवर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ करना है, हमारा ब्रिज टूल कैसे यूज होगा, और ऑप्शन चेन का यूज करके किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, वो सब के बारे में आज का ये वीडियो रहेगा। तो मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है और आप उसको देख के सबसे ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे। वो वहाँ पर आपको आपको सबसे पहले जाना है गूगल में। गूगल में जाके आप एल्गो ब्रिज लिखेंगे, इस तरीके से आप एल्गो ब्रिज लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट हमारी आएगी www.elgobridge.in। आप elgobridge.in पर ही जाएं, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा। अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आप अपना नाम, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो कैसा दिखेगा उस पर हम बात करते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा लॉगिन। तो लॉगिन में जैसे मान लीजिए मैं एक अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ अभी, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके की दोस्तों आपको स्क्रीन दिखती है, ठीक है। इधर राइट साइड में आपको चार्ट दिखेगा, लेफ्ट साइड में आपको सिंबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, जहाँ पर आप कोई भी जैसे निफ्टी में का सिंबल आपको सिलेक्ट करना है, निफ्टी में ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये आगे निफ्टी में का सिंबल, इसको आप ऐड कर सकते हो अपनी शीट में। ऐड करने के बाद ये यहाँ दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें बाय या सेल भी कर सकते हो, साथ ही साथ चार्ट देखना चाहें तो चार्ट भी देख सकते हैं, उसका तो चार्ट इस तरीके से दिखता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि आपको अपना ब्रोकर लिंक करना होता है, और ब्रोकर लिंक करने के लिए आप ऑथेंटिकेशन में जाते हैं। यहाँ पर अपना TOTP आईडी पासवर्ड, जैसे यहाँ पर जीरोधा का अकाउंट लिंक है, वैलिडेट करके आप देख सकते हैं, टोकन वैलिड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए अब दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, टोकन वैलिड करके लिखाता है, तो इसका मतलब कि इसमें टोकन आया हुआ है, सर परफेक्टली आया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड आपको लगानी है आप लिंक करने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं। जब आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता। अगर आप यूजर हैं तो आपको 1 रुपये का कोई चार्ज पे नहीं करना होता। आप हमारी मार्केट वॉच और चार्ट्स की फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको एक टैब मिलता है ऑप्शन चेन का। जब आप ऑप्शन चेन पर जाते हो तो यहाँ पर उसके बाद ये आपको एक डेटा दिखाता है, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पर डेटा आ रहा है कि कौन कौन सी स्ट्राइक का क्या क्या प्राइस चल रहा है। किसी पे भी आपको मान लो आपको बाय करना है, मान लो अभी 27 ये चल रहा है, 17,750 चल रहा है, तो आपने अगर बाय करना है इसका कॉल, यानी कि एक साथ आपको तीन चार चीजें बाय करनी है। जैसे ये मैं देखिए आप दो बटन दबाया मैंने, उसके बाद एक और दबाया, उसके बाद एक और दबाया, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप चार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने दबाया। अब मैं चाहता हूँ कि चारों कॉन्ट्रैक्ट्स में एक साथ ट्रेड हो जाए तो उसके लिए मुझे प्लेस पे क्लिक करना है। जैसे मैं प्लेस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सक्सेसफुली प्लेस का मैसेज आ गया, तो एक साथ सारे ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। तो एक साथ ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, आपको भी फायदा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा, सीधा आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाइए और यहाँ पर जाके सिलेक्ट कीजिए जो जो से स्ट्राइक में प्राइस में आपको ट्रेड करना है, वो आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको फायदा बताता हूँ कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आपको दो अलग अलग तरीके का अकाउंट मिलते हैं। जैसे यहाँ पर जब आप ऑथेंटिकेशन में जाओगे तो अब यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा जिस पर लिखा है वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर। अगर आप मास्टर बनते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यूजर्स क्या कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजर यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। जैसे आवर स्ट्रेटजीज में जाएंगे तो ये स्ट्रेटजीज हैं, और स्ट्रेटजीज को यूज करने के लिए वैसे मैंने स्ट्रेटजी का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। स्ट्रेटजी में अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाके कोई भी स्ट्रेटजी चूज कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ चार बनाई है, उसके अलावा और भी स्ट्रेटजीज हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें एड ऑन होती चली जाएंगी। जैसे RSI स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है तो आप कोई भी सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे आपको निफ्टी में का सिंबल चाहिए, ठीक है, आपने निफ्टी में फ्यूचर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइम फ्रेम आपको कितना रखना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मान लो आपको 3 मिनट रखना है। क्वांटिटी आपको मान लीजिए निफ्टी में 50 रखनी है, और आप स्टॉप लॉस चाहते हैं कि भाई नॉर्मल स्टॉप लॉस रहे मेरा 25 पॉइंट का। टारगेट भी आपको चाहिए मान लीजिए 25 पॉइंट का, ठीक है। ये दोनों चीज लगा दिया। री एंट्री का मतलब है कि एक बार एंट्री आ गया, उसका स्टॉप लॉस या टारगेट कट गया, तो उसके बाद दोबारा से अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेड बनता है तो लेना है, नहीं लेना है, उसको री एंट्री बोलते हैं। री एंट्री को आप ट्रू कर सकते हो। अब यहाँ पर ये टाइम आ रहा है स्क्वायर ऑफ का 3 बजे का, RSI का पीरियड आ रहा है 14, अप्लाइड आ रहा है क्लोज, एंट्री अबव बिलो और एंट्री ओवरबोल्ड ओवरसोल्ड। अबव बिलो का मतलब है कि एक चीज के अबव आपका बाय होगा और उसके बिलो सेल होगा। ओवरबॉट ओवरसोल्ड में ऐसा होगा, मान लो ओवरबॉट में 70 डाला तो ऊपर 71 जाने के बाद जैसे 70 आएगा तो सेल होगा, ओवरसोल्ड में आपने 30 डाला तो नीचे 29 आने के बाद जैसे 30 आएगा तो उसके बाद कैंडल क्लोज के बाद ट्रेड होगा। तो अबव बिलो लग रहे थे हम, अबव कितना 60 के अबव बाय करेंगे और सेल बिलो 30 करेंगे या 40 कर लेते हैं, तो 40 कर दें। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको कर दिया चालू। अब क्या ये दिखा रहा है कि इसके बिलो किसके अबव ट्रेड होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, M3 में पैरामीटर सब दिखा रहा है। तो जैसे ही इसमें जब ये पैरामीटर्स मैच होंगे और सब होंगे तो आपका ट्रेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपका ट्रेड अपने आप हो जाएगा। तो ये है क्लाइंट के बेस पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और जब आपका मास्टर अकाउंट बनता है तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने क्लाइंट बना सकते हो, और क्लाइंट बना के जो ट्रेड आप कर रहे हो वो ट्रेड उनके अकाउंट में भी कॉपी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने किसी मास्टर के थ्रू अपना अकाउंट खुलाया तो भी आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग का, आपको टैब मिलेगा। सेटिंग के टैब में आप देख सकते हो आपको एक पहला सबसे ऊपर मिल रहा है ब्रिज टूल। ब्रिज टूल का मतलब यह है कि अगर आप हमारी कुछ स्ट्रेटजीज, फ्रीबीज, इंडिकेटर्स यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर 500 रुपीज का चार्ज पे करोगे, पे करने के बाद ब्रिज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो फ्रीबीज है, आपको ये फ्रीबीज है, ये फ्री MT4 के इंडिकेटर्स हैं। MT4 के लिए सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, मल्टी इंडिकेटर, हाई कैनाशी, सेमी और रेंज ब्रेकआउट, ये इंडिकेटर आप यूज करना चाहें तो फ्री में यूज कर सकते हैं। कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 500 का लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटर फ्री है, ब्रिज का सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज का लेना पड़ेगा, उसको लेने के बाद आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप ब्रिज को यूज कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, और यहाँ पर देखिए कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि जो भी आपका यूजर है, जिस मतलब जो भी आपका मास्टर है, वो जो ट्रेड भेजेगा वो आपके अकाउंट में सेम एज इट इज लगेंगी। वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करते हैं फंक्शनलिटी। तो कॉपी ट्रेडिंग में आपको मल्टीप्लायर का ऑप्शन मिलता है। मान लो कि आप चाहते हो कि आपकी डबल ट्रेड हो, जो भी यूजर वो ट्रेड कर रहा है उससे 2 गुना ट्रेड हो, 3 गुना ट्रेड हो, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लायर को 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी सेट करेंगे उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है और उतने गुना ट्रेड आपके अकाउंट में जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक एक सिंबल में ही ट्रेड हो, सब सिंबल में ना हो, तो यहाँ पर कॉपी कस्टम करके यहाँ पर आप उस सिंबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और ये वाले को आप कॉपी ऑल को बंद कर देंगे। सिंबल का नाम लिखेंगे और क्वांटिटी लिख सकते हो आपकी, मान लो आप चाहते हो 100 क्वांटिटी, तो आप चाहते हो निफ्टी में अगर ट्रेड आए तो 100 क्वांटिटी जानी चाहिए, चाहे मास्टर जो है वो 500 भेज रहा है, चाहे 1000 भेज रहा है, चाहे 50 भेज रहा है, चाहे कितने भी भेज रहा है, आपने 100 लिखी है तो आपकी 100 ही जाएगी, बाकी की सबकी जो जिस हिसाब से सेट करेंगे वैसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड जो भी मास्टर ने दिया उसको आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप आगे मास्टर का, आप मास्टर ने दिया हुआ पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटीज हैं आपकी कॉपी करने की। हर एक तरह की क्वांटिटी आप सेट कर सकते हो, सारी ट्रेड कॉपी करनी है नहीं करनी है सिलेक्ट कर सकते हो, और रिवर्स कॉपी करनी है तो रिवर्स कॉपी भी कर सकते हो, यानी कि अगर मास्टर बाय भेजेगा तो आपकी सेल जाएगी, मास्टर सेल भेजेगा तो आपकी बाय जाएगी, ये चीज़ भी आप इसमें कर सकते हो।
और ये इस तरीके की फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिली। और अगर आप अपनी मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहते हो यहाँ से एल्गो के साथ साथ मैनुअल भी करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म को आप मैनुअल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे ही दिखता है जैसे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म दिखता है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चार्ट और रेट वगैरह सब चीज़ आप आराम से देख सकते हो, इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हो, सब चीज़ें आप जैसे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर करते हो वैसा ही यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं मास्टर के अकाउंट की तरफ। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैंने दिखाया मास्टर का। मास्टर के अकाउंट के लिए 2000 रुपीज़ का चार्ज लगता है आपको, जो वन टाइम पे करना होता है। और उसके बाद जब आपका मास्टर का अकाउंट खुलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दिखती हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है दोस्तों मास्टर का अकाउंट। इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दिखती है, ये यूज़र इन्फो। ठीक है, यूज़र इन्फो में आपको दिखता है क्रिएट यूज़र। यहाँ से आप अपने लिए यूज़र, जो मास्टर होता है वो यूज़र क्रिएट करता है, तो जो भी यूज़र मास्टर क्रिएट करेगा वो डिफ़ॉल्ट मास्टर के अंडर आ जाता है। और वो जब भी लॉगिन करता है और टोकन लेता है तो ट्रेड जब जाती है तो सबके अकाउंट में जाती है, जितने भी अकाउंट वो होते हैं। ठीक है, सबके अकाउंट में ट्रेड जाती है और A to Z आदमी उस ट्रेड को कर सकता है। तो यहाँ से अब आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद क्रिएटेड अकाउंट्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट क्रिएटेड है। जैसे यहाँ पर देखूंगा आप, मैंने दो अकाउंट ऐड कर रखे हैं, एक सागर एक पायल के नाम से। और दोनों अकाउंटों में आप देखेंगे एक एंजल है और एक जीरोधा है, और दोनों अकाउंटों में बैलेंस जो वो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, 2 दिन का मैं ट्रायल फ्री है इन दोनों को ट्रेडिंग करने के लिए। अभी मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड काम करती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके अलावा आपको माई अकाउंट्स का सेक्शन मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर आपके अकाउंट दिख जाते हैं, इनको रिन्यू करना है तो आप रिन्यू कर सकते हो। जब आप मास्टर के अंडर में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको रिन्यू करते हो तो वो एवरी मंथ उसमें 800 रुपीज़ का चार्ज लगता है। यानी कि मास्टर जितने भी यूज़र को ऐड करेगा 2 दिन ट्रायल देने के बाद 800 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, और वो अनलिमिटेड अकाउंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं एवरी मंथ 800 पर क्लाइंट पर यूज़र का पर मंथ का चार्ज पे करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मास्टर अकाउंट से ट्रेड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये देखिए ट्रेड हिस्ट्री देखिए, अभी ट्रेड हिस्ट्री ब्लैंकड है। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे एक ट्रेड करना है, मान लो मैं ये MASTE के इस वाले सिंबल में एक ट्रेड डालता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक एक किया यहाँ पर, वन किया, इसको मैं MIS कर दिया और MR ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली लिखा आ गया। हालांकि अभी मार्केट बंद है, मार्केट सब जा चुके हैं, सब लोग 3:30 के बाद मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर तो ऑर्डर बुक में दिखाई गई, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि एक एलिस के अकाउंट में ट्रेड हुआ है और एक एंजल के अकाउंट में ट्रेड हुआ है। जो अकाउंट मैंने पहले सेट किया हुआ था उस अकाउंट में ट्रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ निफ्टी का ट्रेड लेना है। अभी देखिए मैं उस अकाउंट में वो चीज़ हटा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉपी ऑल ट्रेड्स कर रहा हूँ और कॉपी स्पेसिफिक ट्रेड्स को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब वापस से हम अपने अकाउंट में जाएंगे, तो अब यहाँ पर दूसरे सिंबल में ट्रेड डालते हैं ताकि आपको मालूम चल जाए। ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हमने ऐड कर लिया। अब हम इसमें ट्रेड लगाएंगे, ये बाय का बटन प्रेस किया हमने, क्वांटिटी 2 रख लेते हैं, 2 रख दी क्वांटिटी, MIS और प्लेस किया ऑर्डर। तो अभी ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में जाकर देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस अकाउंट में बाय दिखा रहा है, इस अकाउंट में बाय दिखा रहा है 4 क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लायर किया हुआ है हमने। और इस अकाउंट में सेल दिखा रहा है। इस अकाउंट में सेल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस अकाउंट में रिवर्स यूज हुआ हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला अकाउंट भी लॉगिन यूज करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें रिवर्स ट्रेड लॉगिन किया हुआ है, इसलिए इसका रिवर्स ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा अकाउंट खोला मैंने और मैं इसकी सेटिंग में गया। यहाँ पर आप देखोगे, ये देख रहे हो आप, रिवर्स ट्रेड यहाँ पर ऑन है। अगर मैं इस रिवर्स ट्रेड को ऑफ कर दूंगा तो अब इसका भी बाय ही जाएगा, जब हम बाय डालेंगे तो बाय ही जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम और किसी सिंबल में ट्रेड डालते हैं। ये कोई आ गया ACCEYLA। ठीक है, इस सिंबल में ट्रेड डालते हैं। अब इस सिंबल में मान लीजिए क्वांटिटी हम 3 रखते हैं। ठीक है, और ये MIS किया हमने और हमने प्लेस किया ऑर्डर। ठीक है, अभी प्लेस हो गया। अब आप देखें यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री में जाके आप ये देखोगे, ये 3 अकाउंट है,
इसमें भी बाय हुआ है, इसमें भी बाय हुआ है और तीसरे में भी बाय हुआ है, क्योंकि अब हमने दोनों में से रिवर्स को हटा दिया, तो अब तीनों में बाय हुआ है, तीनों के अकाउंट के ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो था कि किस तरीके से आप कर सकते हो ट्रेड्स यहाँ पे मार्केट वॉच के थ्रू, लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन चेन पे गए, अब ये मास्टर अकाउंट है, ठीक है, क्लाइंट अकाउंट नहीं, तो अब जो भी ट्रेड करेंगे वो क्लाइंट पे भी जाएगी, मास्टर पे भी जाएगी। ये देखिए, ये मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये अलग अलग सिक्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किए हैं, देख सकते हो गए आप। ठीक है, अब इन सब में ट्रेड डालना है, मैं प्लेस का बटन दबाऊंगा। ठीक है, प्लेस का बटन दबाने के बाद सारे के सारों में ट्रेड हो जाएगा, जितने भी ट्रेड हैं वो सब में हो जाएंगे। देखिए मैंने प्लेस बटन दबाया, प्लेस चला गया। अब आप देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे, आप देखिए ये देखिए ये अकाउंट अलग अलग आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए सारे सारे सब में ट्रेड चला गया, ये हमारे अकाउंट में गया, उसके बाद दूसरे अकाउंट्स में गया, सब अकाउंट्स में बराबर बराबर ट्रेड्स चली गई। तो इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, एक ही साथ सारे अकाउंट्स में ट्रेड भेज सकते हो, क्लोज कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर भेज सकते हो, लिमिट ऑर्डर भेज सकते हो। लिमिट ऑर्डर भेजते हो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, सारा का सारा कर सकते हो। अभी मार्केट बंद है इसलिए मैं आपको मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर नहीं दिखा पाया। तो फंक्शंस यहाँ पर आपको ये हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट्स में एक जैसी ट्रेड डाल सकते हो, आप बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हो, ऑप्शन चेन का यूज करके सारे ऑप्शंस में एक साथ ट्रेड डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो। और इनका जो फंडा है, मास्टर अकाउंट का जो चार्ज है वो 2000 है, और जो यूजर्स अकाउंट का चार्ज है वो 800 पर यूजर है पर मंथ। और अगर आप हमारी स्ट्रेटजीज यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वॉलेट सिस्टम हमने लगाया है, वॉलेट सिस्टम में आपको फंड बैलेंस मिलता है 500 का डिफॉल्ट, जब आप आते हो उसको यूज करने के बाद आपका एवरीडे फंड डिडक्ट होता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से जब भी कोई ट्रेड लगेगा तभी आपका फंड डिडक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सैटरडे संडे को कोई फंड डिडक्ट नहीं होता, जब भी आपका कोई ट्रेड होगा, जिस दिन भी कोई ट्रेड लगेगा उस दिन आपका फंड डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाके आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो, बना सकते हो कुछ भी। अगर इसमें ट्रेड आया आज के दिन तो ट्रेड हो, आपका फंड कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और आने वाले टाइम में इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको और भी देखने को मिलेंगी जो हम ऐड करेंगे। तो ये था दोस्तों अभी तक का अपडेट इसका, जो भी था कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे आगे हम और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म को। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इसका ट्रायल लेना, आप चाहते हैं इसको यूज़ करना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मास्टर अकाउंट के लिए आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से पेमेंट करके आप मास्टर अकाउंट यूज कर सकते हो, उसके बाद कितने मर्जी अकाउंट यूज कर सकते हो उसमें लगा के। 2 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है हर एक यूजर के लिए, हर एक क्लाइंट जो भी आप ऐड करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, 2 दिन का फ्री मिलेगा, 2 दिन फ्री आप यूज करके उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए माई क्लाइंट के सेक्शन में आपको जाना होगा। अकाउंट ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी है, हर एक यूजर का अकाउंट ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। जब अकाउंट ऑथेंटिकेटेड होता है तो यहाँ पर जब आप जाओगे माई क्लाइंट्स में, तो यहाँ आपको दिखाता है कि टोकन वैलिड है या नहीं है, यहाँ पे ये दिख रहा है टोकन वैलिड, इस तरीके से टोकन वैलिड दिखाता है। अगर टोकन वैलिड होगा तो ट्रेड जाएगा, टोकन वैलिड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, 9:30 to 5:30 हम लोग अवेलेबल होते हैं, सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। उस बीच आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल ज़रूर उठाया जाएगा। अगर आप उसके बाद कॉल करते हैं तो हो सकता है कई बार आपका कॉल ना उठ पाए, लेकिन अगले दिन आपको कॉल आ जाएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।